नमस्कार, हमारे साथ जुड़ी हैं डेरा सच्चा सौदा की श्रद्धालु सुखप्रीत, जो कि डेरा सच्चा सौदा के एक दरबार गुरुसर मोड़िया की स्टूडेंट है। तो वो हमें बताएंगी कि आखिर क्या है डेरा के स्कूलों का माहौल और आखिर क्या है उनके गुरुजी का व्यवहार उनके प्रति। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। नमस्कार मैम। मैम, कितना टाइम हो गया आपको डेरा में आते हुए? मैं तो जैसे बचपन से स्टार्टिंग से मतलब डेरे से जुड़े हुए हैं, और जैसे कि गुरुसर मोड़िया से हूँ तो वहीं का जन्म हुआ है ना, तो वहीं पे स्कूल था हमारा जो पिताजी ने बनाया, तो वहीं पे मतलब शुरू से स्टडी कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा वाला स्कूल ही क्यों चूज़ किया? और वहाँ पे जैसे एक मीन्स अलग अलग स्कूल बनाए हुए हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल और बॉयज़ स्कूल, और मतलब CBSE बोर्ड भी है, और बाकी जैसे हम गुरुजी से कनेक्टेड है ना, तो इसलिए हमने हमारे पेरेंट्स ने हमें वहाँ डालने का सोचा, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है और हमें स्टडी भी मतलब हाई लेवल की मिलती है ना, और बाकी मेन तो सेफ्टी है और माहौल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इन द फैक्ट वहाँ पर लड़कियों के लिए माहौल कैसा है? लड़कियों के लिए माहौल तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है, और जैसे कि कोई भी अपने बात करें, मेल तो उनकी तो एंट्री है ही नहीं स्कूल में, सिर्फ फीमेल स्टाफ है। जैसे कोई भी इलेक्ट्रीशियन है वो भी तो फीमेल है, डॉक्टर है वो भी फीमेल है, ठीक है, प्लम्बर है फीमेल, सारे फीमेल्स हैं, मेल अलाउड नहीं है स्कूल में। अपने ये कौन सी फोर्स की ड्रेस पहन रखी है? ये मैंने ग्रीन वेलफेयर फोर्स की विंग की ड्रेस पहनी हुई है। ये गुरुजी की तरफ से दी जाती है आपको? हाँ जी, ये जैसे कि हमने प्रसाद लिया हुआ है इसका, है ना, तो हम इसके मेंबर अब हैं, तो इसलिए हमें ड्रेस में मिली है। इसकी कोई तनख्वाह मिलती है आपको? नहीं नहीं, तनख्वाह नहीं मिलती इसकी। ये हम मतलब जैसे कि 135 मानवता भलाई के काम चल रहे हैं ना, तो उसमें हम मतलब सारे टोटल जैसे जो भी हमें सेवा समाज सेवा मिलती है, तो उस हिसाब से हम अपनी मतलब जितना हो सकता है हम उसे सेवा करते हैं। ट्रू ब्लड पंप के नाम से एक गुरुजी ने महिमा चलाई थी, उसमें कितनी बार आपने योगदान दिया है और उसका क्या योगदान है डेरा सच्चा सौदा के लिए? जैसे कि मैं तो अभी लास्ट ईयर ही 18 की हुई हूँ, तो मैंने अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया है। अभी मैं आज सोच रही थी कि मैं ब्लड डोनेट करूँ, है ना, तो आज देखूँगी कि ब्लड डोनेट करना। क्या काम करते हैं वो जो ट्रू ब्लड पंप हैं? अभी डेंगू का माहौल चल रहा है, तो इसमें क्या गुरुजी के फॉलोवर्स ने उनके चलाई हुई महिमा पर काम किया है? हाँ जी, बहुत किया है। जैसे कि जिन लोगों को मतलब खून की ज़रूरत है ना, खून नहीं मिलता आजकल, है ना, तो हमारे यहाँ पे फ्री में जो मतलब बहुत श्रद्धालु आते हैं, ठीक है, ब्लड डोनेट करते हैं, और ब्लड फ्री में मतलब जो जिनको भी ज़रूरत है ना, उनको दिया जाता है। गुरुजी को समाज की ज़रूरत है आज? हाँ जी, बहुत ज़रूरत है। जैसे कि आजकल आपको पता ही है, मतलब एक गलत दिशा में जा रहा सारा, है ना, तो इस टाइम जैसे कि गुरुजी ने इतने मानवता भलाई के काम किए, है ना, तो उस हिसाब से अभी मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। आप कह रहे हो मैंने फॉरेन जाना है, तो फॉरेन में भी क्या गुरुजी के फॉलोअर्स हैं? हाँ जी, बहुत है। हमारे जैसे कि हमारे स्कूल में से बच्चे जाते हैं ना, कितने बच्चे गए हैं, तो अब वहाँ पे भी वो सेवा करते हैं, और हमारे भी बहुत जैसे रिलेटिव्स ही हैं, तो वो भी बहुत सेवा करते हैं वहाँ पे। वहाँ जाके गुरुजी का माहौल वही रहता है? माहौल का तो मतलब जो भी जैसे हम सेवादार हैं, तो जो भी वहाँ पे है तो सेवा वैसे करते हैं। काम जो गुरुजी के हैं? हाँ हाँ, जो काम सेम रहते हैं सभी। जैसे सेवा मिलती है जिसको, जहाँ मतलब साफ सफाई अभियान हो गया है ना, किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो वो भी करते हैं, और जैसे कोई गरीब है, जैसे बच्चों को कोई जो भी मतलब होता है सब करते हैं। तो आखिर आप गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे? हम तो गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि जो भी ये पिताई पे मतलब आरोप लगाए गए हैं सब झूठे हैं, ठीक है, और हमें मतलब एक बार पूरी मतलब अच्छे से इस चीज़ की जांच की जाए, है ना, और हमारे गुरुजी निर्दोष ही साबित होंगे एंड पे, हमें पूरा विश्वास है। तो आपने देखा, इन्होंने हमें बताया कि ये फॉरेन जा रहे हैं, तो फॉरेन में भी जो गुरुजी के फॉलोवर्स हैं, जो गुरुजी की फॉलोइंग है, वो वैसे ही काम करती है जैसे कि यहाँ जो गुरुजी ने 100 मानवता 35 मानवता भलाई के काम चलाए हैं, वो वैसे के वैसे ही वहाँ भी चलाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। गुरुजी की फॉलोइंग फॉलोवर्स वहाँ भी उतने ही हैं जितने कि यहाँ हैं, और ये गुरुजी की शिक्षाओं पर चलते हुए उन देशों का भी सुधार कर रहे हैं। तो आप भी अपनी राय, आपके फैक्ट्स आखिर क्या है, सच्चे फैक्ट्स आप भी हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।